रोहित शर्मा ने किया कमाल का कारनामा, 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे हार्दिक पांड्या, छा गए रोहित शर्मा, हिटमैन्स के फैन भी हो गए खुश। आईपीएल 2024 का 8वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा कमाल कर दिया जिसे देखकर हिटमैन और मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए। ये ऐसा कमाल है जिसे हार्दिक पांड्या 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कर दिया रोहित शर्मा ने। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपनी टीम में 2 बदलाव किए तो वहीं मुंबई इंडियंस टीम ने अपने खेमे में 1 बदलाव किया। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने टॉस भले ही जीता लेकिन इस मैच में दिल जीता सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने। उन्होंने सिर्फ 7 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 100 से ज्यादा रन बना दिए। लेकिन इस मैच में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा कमाल किया जिसे देखकर मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि इस बार कौन सी टीम आईपीएल का खिताब जीत सकती है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम उठाएगी आईपीएल की ट्रॉफी? रोहित शर्मा जैसा कोई नहीं। मुंबई इंडियंस की टीम ने जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो उसमें रोहित शर्मा का नाम शुमार था और इस मैच में उतरते ही रोहित शर्मा ने आईपीएल में एक बेहद ही अनूठी उपलब्धि अपने नाम कर ली। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो उनसे पहले इस लीग में खेलने वाले कुछ ही खिलाड़ियों ने हासिल की है। हार्दिक पांड्या इस रिकॉर्ड से काफी दूर है। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। रोहित शर्मा ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए एक खास उपलब्धि अपने नाम की। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उतरते ही रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की तरफ से 200 आईपीएल मैच खेल लिए और वो ऐसा करने वाले मुंबई इंडियंस के लिए पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा को टीम के मेंटोर सचिन तेंदुलकर ने सम्मानित किया। रोहित से पहले एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और विराट कोहली आरसीबी के लिए 200 मैच खेल चुके हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। 5 बार बनाया टीम को चैंपियन। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान भी हैं। आज की तारीख में मुंबई इंडियंस अगर आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीम है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से है। रोहित शर्मा ने 2013 में मुंबई इंडियंस की कमान संभाली और इस खिलाड़ी ने 2023 तक मुंबई इंडियंस की टीम को 5-5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया। रोहित आईपीएल के फाइनल में कभी भी नहीं हारे। ये रिकॉर्ड उन्हें एमएस धोनी से भी अलग खड़ा करता है। इस सीजन की शुरुआत से पहले मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया जिसका मुंबई इंडियंस के फैंस ने काफी ज्यादा विरोध भी किया और ये विरोध अभी भी बरकरार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बतौर बल्लेबाज कैसा है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के लिए बतौर बल्लेबाज भी अच्छा रिकॉर्ड है। आईपीएल 2011 में वो मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़े। इससे पहले रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स की टीम से मुकाबले खेला करते थे। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने इससे पहले 199 मुकाबलों में 5084 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 34 अर्धशतक निकले और उनका बेस्ट स्कोर रहा नॉट आउट 109 रनों का। मुंबई इंडियंस से जुड़ने से पहले रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स की टीम का हिस्सा थे। वो इस टीम के लिए 2008 से लेकर 2010 तक खेले। इस दौरान उन्होंने 45 मुकाबलों में 1170 रन बनाए जिसमें 8 अर्धशतक भी जड़े। वैसे दोस्तों मुंबई इंडियंस ने अब अपना कप्तान बदल दिया है और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह का रिकॉर्ड, जिस तरह की लेगेसी रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए छोड़ी है, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तान बन पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।